और ये तय हो चुका है कि बिहार से एनडीए और नीतीश जी की विधायक हो चुकी है। बेरोजगारी जो है देश का सबसे बड़ा दुश्मन है आज के दौर में। बाढ़ का इलाका भी आप देखिएगा, क्योंकि नेपाल से सटा हुआ इलाका है, बाढ़ हमेशा जो है तबाही मचाता है, तो लोग जो हैं काफ़ी प्रभावित। प्रधानमंत्री सेंट्रल की टीम कोई आकर के आकलन तक नहीं करने गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, मैं हूं आपके साथ खुशबू सांगवी। बिहार विधानसभा चुनाव के आगाज के साथ ही दो चरणों का जो मतदान है वो संपन्न हो गया। आपको बता दें कि दो चरणों का जो बिहार में मतदान है वो खत्म हो चुका है और तीसरे चरण का जो मतदान है वो 7 नवम्बर को होने वाला है, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि इन दोनों चरणों में हमारी जो महागठबंधन है वो जीत रही है। साथ ही साथ उन्होंने बिहार की जनता को शुक्रिया अदा किया है कि बिहार में इस बार जो असल मुद्दे हैं उन्हीं पर चुनाव हुआ है, उन्हीं पर बिहार की जनता ने वोट दिया है, चाहे कोई कितना भी छलावा कर ले, लेकिन इस बार तय है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव ने साथ ही साथ कहा कि हमारे लिए रोजगार मुद्दा है, सिंचाई मुद्दा है, पढ़ाई मुद्दा है। विशेष क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, आप खुद सुनिए। बिहार के मतदाताओं को, बिहार के लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। और दोनों चरण जो है हम लोग जीत गए हैं और आपकी इस मजबूत संकल्प ने ये साबित कर दिया है कि बिहार असल मुद्दों पर चुनाव लड़ सकता है। कोई कितना भी बांटने का कोशिश कर रहा लेकिन उनकी दाल नहीं गली, और बेरोजगारी के मुद्दे पर, खास तौर पे नौकरी के मुद्दे पर, पलायन, गरीबी, भूखमरी के मुद्दे पर, और जो आखिरी जो तीसरा जो फेज़ है, जो आप कह सकते हैं जो सीमांचल का एरिया है, कोसी का बेल्ट है, इन चंपारण के कुछ इलाके हैं, वहाँ आप देखेंगे कि बिहार के काफ़ी लोग, मजदूर जो हैं दूसरे राज्य जो जा कर के पलायन कर रहे हैं, खास तौर पे दवाई के लिए, पढ़ाई के लिए और कमाई के लिए। और जिस प्रकार से मजदूरों के साथ व्यवहार मौजूदा सरकारों ने किया, चाहे भारत सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, वो लोगों को कहीं ना कहीं से जो गुस्सा रहा जिस रवैये को लेकर के, 2 महीने तक उनको लाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई, वो आए तो उनको अपराधी बोला गया, उनको ये भी बोला गया कि कोरोना फैलाने का काम करेंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है जो दो फेज़ में मजबूती के साथ महागठबंधन के पक्ष में मतदाताओं ने वोट किया है, तीसरे फेज़ में और मजबूती के साथ जो है मतदान करेंगे। और ये तय हो चुका है कि बिहार से एनडीए और नीतीश जी की विधायक हो चुकी है। बिहार चुनाव का मुद्दा कमाई, पढ़ाई, सिंचाई, दवाई है, इसलिए कोई अब हार हताशा में कोई क्या कहे इस पे हम कुछ टिप्पणी नहीं करते।